नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4। इसमें आपको डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे फिलअप्स दिए हुए हैं, इन्हें आपको फिल करना है। ये देखिए यहाँ पे 12,547 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो 5 आएगा आंसर। तो ऐसे ही हमारा जो आंसर होगा इसका वो 12,547 आएगा। हम लिख देंगे यहाँ पे 12,547। अब यहाँ पे देखिए 87,450 को 87,450 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। इसका भी एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि आपको 8 को 8 से डिवाइड करना है तो क्या आंसर आएगा, डिवाइड करने पर 1 आएगा। तो ऐसे ही हम इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 1। इसी क्वेश्चन में 0 को 99,999 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो 0 आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। सेकंड देखिए, फाइंड द नंबर, वो नंबर बताइए विच वैन डिवाइडेड बाय 35, जिसे 35 से डिवाइड किया जाए गिव्स द क्वेश्चन 22। तो क्वेश्चन 22 आए एंड रिमाइंडर 14, और रिमाइंडर 14 आए। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है, क्योंकि हमें जब डिवाइड करते हैं तो डिविडेंड को ही तो डिवाइड करते हैं। इस क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है पहले हम उसे लिख लेंगे 35। डिविडेंड हमें दिया नहीं है तो हम डिविडेंड के आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। 35 से डिवाइड करना है तो 35 हमारा डिवाइज़र हो गया। क्वेश्चन 22, रिमाइंडर 14। अब हमें डिविडेंड वाला नंबर फाइंड करना है, तो डिविडेंड निकालने का एक फॉर्मूला होता है डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हम डिवाइज़र के नीचे डिवाइज़र का नंबर मल्टीप्लाई कोशेंट के नीचे कोशेंट का नंबर प्लस रिमाइंडर कितना है 14। अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर निकल के आएगा उसमें हम 14 प्लस करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने सवाल बनाया हुआ है 2 5 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 3 जा 6, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, इस कैरी को हटा देंगे हम। अब दूसरा टेबल पढ़ना है हमें, तो एक डिजिट के नीचे क्रॉस, 2 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 2 5 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 2 3 जा 6, 6 में 1 प्लस करेंगे 7। अब हमें यहाँ पे प्लस करना है 0 क्रॉस 0, 707 एंड 7। अब हमें जो यहाँ पे ये रिमाइंडर दिया हुआ है 14, इसको प्लस करना है। पहले हम 717 को यहाँ लिखेंगे प्लस 14। अब 770 में 14 प्लस करेंगे, सेवन हंड्रेड एट्टी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 780। तो हमारा जो नंबर है, फाइंड द नंबर जो इन्होंने पूछा था, वो नंबर है हमारा 784। तो ये आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है 3,699 व्हेन डिवाइडेड बाय ए सर्टेन नंबर। 3,699 को एक सर्टेन नंबर, यानी एक नंबर है, निश्चित नंबर है कोई, उसे डिवाइड किया जाता है। वो पता नहीं है कि वो कौन सा नंबर है जिसे डिवाइड किया गया है। गिव्स 231, तो 231 आता है एज द कोशेंट, कोशेंट में 231 आता है, एंड जो रिमाइंडर है 3 एज द रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या आता है 3। आपको फाइंड द नंबर, नंबर बताना है वो। तो इसका मतलब हमारे पास डिविडेंड है, डिवाइज़र नहीं है हमारे पास, हमें डिवाइज़र फाइंड करना है, क्वेश्चेंट है 231 एंड रिमाइंडर है 3। तो आपको जो मैंने सेकंड क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था वही लगाना है, बट आपको थर्ड क्वेश्चन में डिविडेंड नहीं निकालना है, डिविडेंड हमें दिया हुआ है, आपको डिवाइज़र निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। आपको यहाँ पे क्वेश्चन एंड रिमाइंडर निकालने हैं।
तो क्वेश्चन एंड रिमाइंडर हम डिवाइड करके निकालते हैं, पर यहाँ पे आप ये देखिए कि जो डिवाइड करनी है वो 1000, 10,000, 1,00,000 ऐसे नंबरों से डिवाइड करनी है। तो हम विदाउट डिवाइड किए हुए भी क्वेश्चन एंड रिमाइंडर बता सकते हैं। एक क्वेश्चन को देखिए, 62,847 को 1000 से डिवाइड करना है। अब आप यहाँ पे देखिए 1000 में कितनी ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं। तो आप क्या करेंगे कि इस नंबर में जो 3 ज़ीरो हैं तो 3 डिजिट को एक जगह लिखेंगे अलग, एंड जो बाकी बची जो डिजिट्स हैं उन्हें एक साइड लिखेंगे। तो जो इधर की साइड जो नंबर है वो आपका कोशेंट है और जो इधर की साइड है वो आपका रिमाइंडर है। तो आप लिखेंगे कोशेंट है 67 एंड रिमाइंडर है 847। ऐसे ही बी क्वेश्चन देखें, यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ हैं तो इस नंबर में 4 डिजिट लिखेंगे आप। जो इस नंबर की 4 डिजिट हैं पीछे से हम देखेंगे, 4 डिजिट को अलग रखेंगे एंड जो बाकी की बची हुई डिजिट है उन्हें एक साइड लिखेंगे। ये क्वेश्चन है एंड ये रिमाइंडर है। इस हेडिंग के बाकी के ऐसे ही क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं आपको, डायरेक्ट विदाउट डिवीज़न। इस एक्सरसाइज को आपको मैथ्स के रजिस्टर में करना है, ऑल क्वेश्चंस करने हैं इसके मैथ्स के रजिस्टर में। अगर आपको जो ये मैंने 2 एक्सरसाइजेस कराई हैं, एक्सरसाइज 3 एंड 4, अगर इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जब मैथ्स की लाइव क्लास होगी तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। थैंक यू।